हम लोग तैयार, रूम घान, ठीक है। ये बंदे लोग का घर इसी रहता है, कोई टेंशन नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी नहीं चालू हुई, देख ना, तीन चार कॉल करी, चार बार बोले ऐसी की तैसी कर रहा हूं। अभी अपन आएंगे नारा शाम में, तब करवा देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। कहीं दूर जाएंगे? नहीं नहीं, खाली दरगाह से आने वाले। नहीं दरगाह के आगे जाएंगे, नहीं पहले दरगाह जाएंगे, फिर उसके बाद का प्लान देखिए। ढाई दिन की झोपड़ी, फिर अनासागर आज घूम लेते हैं, है ना, हो जाएगा। सबसे पहले दरगाह, फिर झोपड़ी, फिर वहाँ से निकले, खाना खाएंगे, फिर जाएंगे अनासागर। हाँ, और मैं नंगे पर निकलूँ, क्योंकि मैंने ना मोजड़ी देखा था यहाँ पर। वैसे ना जब भी दोस्तों के साथ आता था ना मैं, हम लोग ऐसे ही रहता था, नंगे पर निकलो, क्योंकि वहाँ पर चप्पल रखने का और वापस लेने में अच्छा खासा टाइम चले जाता है। लेकिन अभी सब तो रखने वाले, मैं भी लेने वाला था, लेकिन मैंने ना सुबह में ना जब होटल ढूंढा था ना, मोजड़ी देखा था एकदम मस्त। मतलब अभी चप्पल पहन के निकलूंगा, मोजड़ी ले लूँगा, फिर वो चप्पल लेके घूमना पड़ेगा शाम तक। इससे अच्छा नंगे पर निकलता, वजू वजू करके अंदर दरगाह में तो रहेंगे अपन, दरगाह से निकलते साथ मोजड़ी ले लूँगा। देखो ये होटल में रुके हैं, न्यू सुंदरम होटल। हम लोग ना लास्ट टाइम पे जब आए थे ना उरुस में, तो ये होटल सुंदरम में रुके थे। अब इसकी ही नई होटल खुल गई है अंदर की तरफ, तो आज उधर पे रुके हम लोग। ये देखो इतना दूर है अपनी होटल, यहाँ से यहाँ पर और इस गली में है, 10 मिनट का रास्ता है, है ना, सही है। लेकिन मैं सोचा था ये जो रोड की होटल है ना, ये वाली ना, इसमें कहीं रुके गए, लेकिन वैसा मौका ही नहीं बना। चलो कोई नहीं, जो नसीब में लिखा था तो ये भी सही, क्योंकि होटल तो नवी बनी है, अच्छी खासी। हाँ, नवी होटल है। चलो चार चार जोड़िया दे देना जी। लास्ट टाइम कितने टाइम के लिए आए थे? 3 दिन के लिए आई थी, लेकिन 3 दिन तक भी पूरा दरगाह में ज्यादा थी, ये होटल में कम थी। और अभी आए हैं तुम? और अभी तो जस्ट आए हैं, अभी जरा देखते हैं, पहले शलवार शरीफ इधर उधर बहुत जगह जाना है, ढाई दिन की झोपड़ी जाना है, अनासागर जाना है, अनासागर है ना, अनासागर अभी बहुत सारा है, अभी तो बस आए है, अभी धीरे धीरे करके निकलेंगे। चोर पकड़ा गया है यहाँ पर, इसके लिए बोलते ना मोबाइल और सब सामान पर्स वर्स संभालो। तो मैं ये जो टोपी ढूंढ रहा था, खाली ये वाली टोपी निकालो ना मेरे साइज में, हाँ हाँ काली टोपी, ये वाली टोपी मिल गई, दिखा इधर, हाँ सही तो दिख रही है, लेकिन थोड़ा एक कंफर्ट भी चाहिए ना। देखो वही देख रहा हूँ, 7 नंबर सही बैठे तो ज्यादा मजा आ गया। फिरोजा नकली वाला, एक टाइम तो मैं भी बहुत अच्छी अंगूठियाँ जमा करता था, लेकिन अपने मालूनी में पहनने के लिए सही है ना, हाँ अच्छी लग रही है, पहनो ना आज। ले निकाले अंकल ने, ये सही लग रही, थोड़ा ऐसा ऐसा ये मारा था, हाँ ये पीछे ये अच्छी लग रही है। और कुछ लेना नहीं, जो चाहिए? नहीं नहीं अच्छा लग रहा होगा, जो चाहिए 100 रुपये, 8 नंबर देख डाल के रहे तुम, ये 8 नंबर डाल के रहे, हाँ भाई अच्छा लग रहा है, सही लग रही है। आलू तुम्हारी खाला से कल मैंने शादी कर ली यार, कर लो खालू, बहुत सारी खाली खाला। अच्छा ऐसा है क्या, खालू बोले तो भी बुरा लगता है? नहीं खाली नहीं हुई रहेगी शादी, शादी नहीं हुई रहेगी, नहीं नहीं, लेकिन खालू बोलने में क्या बुराई है? अरे नहीं हो सकता भाई, सही में नहीं शादी, सही में नहीं क्या भाई, वही तो खालू बोलने वाला उनकी जान जला ले भाई, वही तो खालू बोलने वाला उनकी जान जला चुका है सॉरी सॉरी भाई, आप मेरे भाई कोई तो खालू बोलने वाला उनकी जान जला चुका है। अरे चार शादी एक साथ हो जाए आपकी। यस ले ले था एक टोपी, चलो चलो बनती है खालू से मिलने की बात, चलो आ जाओ, सही है आप, सही है ना, आया लुकाया। देखो गाइस यहाँ पर है अकबरी मस्जिद, ये मेरे ख्याल से बंद रहती थी, नहीं तो अपन पहले भी आते थे ना भाई, ये देखो, ओहो माशाल्लाह, वजू खाना, पानी भी पीने का।
यकीन मानो मैं कई बार आया हूँ अजमेर, लेकिन ये वाली मस्जिद में पहली बार आया हूँ। शायद ये खुला नहीं रहता था, मेरे को दिख गया, मैंने भी देख लिया, आप लोगों को उसे भी दिखा दिया। देखो ना, जिधर अपन रुके ना वहाँ से सीधी गली यहाँ उतरती है। अच्छा, जन्नत होटल के पास। ये होटल, ये गली। हाँ हाँ, पक्की बात। जन्नत होटल में अपन बहुत खाना खाए। ये देखना, ये कसाई की दुकान है ना। हाँ, ये कसाई की दुकान है, बंद है अभी, क्योंकि सुबह सुबह काट के ना। बड़े बड़े गोटा। ओहो, गुलाब जामुन सूखा सूखा वाला। हम लोग यहाँ से ना गुलाब जामुन खरीदते थे और जन्नत होटल में जाके खाना खाते थे, उसके बाद। अच्छा, बात वाला शरबत, शरबत मोहब्बत का शरबत। हेलो खाला, तुम्हें ट्राई करो। खाना देखो, घुंघरू वाली चप्पल। ये लेडीज वाली लुक की ज्यादा। हाँ, घोड़ा है, ऊँट है, जीप है। अरे रिक्शा देखो, पतरे की रिक्शा है नी। अरे रिक्शा पतरे की होगी, पतरे की बड़ी रिक्शा होगी। हाँ वही तो। हाँ, ये सब शॉपिंग है ना, लास्ट वाले दिन करने का मजा आती है। गाड़ी के साइज वही 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 बड़ी बड़ी गाड़ी है, एकदम थार है, थार। रियाज थोड़ा सा परेशान, क्योंकि इसको खाने वाला था, पुलाव वाला नहीं मिला। हाँ, मुरादाबादी बिरयानी दिख गई मेरे को, एक बिरयानी टॉप दिख गया, लेकिन जो ढूंढ रहा था ना रियाज, वो दुकान ही बंद हो गई है। वो पोपट हुआ है थोड़ा सा, लेकिन हम लोग तो नहीं खाओगे। पुलाव, पुलाव मोटे मोटे चावल वाले पुलाव, पुलाव अरे मुरादाबादी, मुरादाबाद की मशहूर है, ऊपर निकले लजीज बिरयानी। आओ चलो, थोड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि रियाज भाई जो ढूंढ रहे थे वो बंद हो गया। हाय हाय, ओए होए, ये कौन सी है? दोनों एक ही है सब, एक नहीं। फ्लेवर कौन सा है? फ्लेवर कौन सा है? दूध मावा। दूध मावा, हाँ, इसमें मावे का। ले अरे भैया, पीछे का बहुत मजा आ जाएगा। अरे तो करो, ये तो मेरे भाई, पांच बना मेरा। ये गाना डाल देना भाई, साल बड़ा बस का। हाँ, वो उनको दे रहा है जब तक। लो खाला को दो, पहले पहले खाला को एक गिलास दे दो, एक गिलास खाला को दो। हाँ, वो देसी भी है। एक गाड़ी वाली बना देगा मेरे लिए, बनाएगा गाड़ी वाली, बनाएगा गाड़ी वाली, बना गाड़ी। हाँ ये चलेगा, नहीं हाँ हाँ चलेगा। एक गाड़ी बनवाऊँ, अल्लाह खुश रखे, मेरा मौला खूब नवाजी, आमीन। आप बनाएगा वो गाड़ी वाली, गाड़ी वाली, गाड़ी ऊपर पकड़, ऊपर पकड़, हाँ और ऊपर, और ऊपर स्ट्रेट रख। हाँ बोल वाले ऊपर, बोल वाले ऊपर। हाँ ये भाई, अरे पतली हो जा रही, इसकी स्ट्रेट की भाई, वो ऊपर से दही मारो भाई, दही तो डालो यार। गाड़ी लस्सी बना के दिया है भाई हम लोग को, वीआईपी है। अरे भाई ये वाली लस्सी थोड़ी पतली थी भाई, देखिए हम लोग ना पतली पसंद नहीं आई, तो हमने बोले भाई गाड़ी बना के दे। फ्रेश दही डाल रहा है भाई, फ्रेश दही डाल रहा है। आप बोल भाई, वीआईपी बहुत सारा पैदल चलने के बाद फाइनली मैंने मेरी मोजरी ले लिया, और ये मेरे को यहाँ पर मिली 100 रुपये में। अपने यहाँ पर 100 रुपये में नहीं मिलती है एक्चुअली। अरे उमरा जाने के लिए कितना ढूंढ रही थी मैं, मानो उमरा के लिए ये पहन के जाऊँगी। यहाँ पे भी ठंडी में पहनते ना, बारिश में, हाँ दरगाह के अंदर। हाँ एक्चुअली ठंडी में पहना जाता है, ठंडी में ना अंदर की लादी इतनी ठंडी रहती ना कि नंगे पर चल ही नहीं सकते। और उमरा के लिए भी नहीं कि नंगे पर मैं बर्फ़ पहन सकते,
लेके चले जाना मम्मी के लिए एक्स्ट्रा। अभी हम लोग जा रहे हैं ढाईगुन की झोपड़ी। हाँ तो चढ़ने के नाम दिखता ही अभी सीढ़ियों पे। सब ठीक है? चलो तुमको तारागढ़ दिखाता हूँ। अरे मजा आ जाएगा तारागढ़ चले गए तो। आरियास तारागढ़ लेके चले खाला को। पैदल चले गए तो बोलो। तारागढ़ तीन पहाड़ है, मस्ती कर रहे हैं। ये हम लोग ढाई दिन की झोपड़ी पे आए गाइस। ये ज़्यादा ऊपर नहीं है, इतना ही ऊपर है। ये क्या गेट आ गया इधर से? नहीं नहीं भाई, माशाल्लाह। ये बोलते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन सिर्फ ढाई दिन में हुआ था, ढाई दिन की झोपड़ी। जब कॉलेज टाइम पे आया था ना मैं, यहाँ कम से कम नहीं बोलूँ ना, हम लोग 150 फोटो खिंचाए रहेंगे ना यहाँ पे। फोटो कल में देखना, बहुत फोटो खींचा। ये जो अपना अपन वहाँ पर घूम रहे थे ना दिल्ली में, तो कुतुब मीनार गए थे, वहाँ पर कैसा कारीगरी थी एकदम रेड स्टोन्स पे, और आयत लिखी हुई थी डीपली कार्विंग करके। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी देखने मिलता है अपने लोगों को। अब पता नहीं वो कौन है शाजिल, गुंबद पे चढ़ के नाम लिख के रखा है, वहाँ तक चढ़ा कैसे वो, क्योंकि उसका नाम क्लियर दिख के आ रहा है शाजिल। वाओ, तो आओ। अच्छा ये एकदम खादिम जैसी टोपी पहना है, आ रहा है क्या नीलू? एक्चुअली ये टोपी से लुक अच्छा आता ही है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर खादिम लोग पहनते हैं। ये देखो गाइस, ये पूरा आयत ऐसा लिखी हुई सबके सब टाइप। और अपनी पब्लिक किधर गई? अच्छा इधर खड़े हैं क्या? मैं बोला भीड़ में तुम लोग नहीं दिख रहे। हाँ पहले बैठेंगे थोड़ा। हाँ तुम लोग पसीने पसीने में नहाए हुए हो। ये देखो देखो, मैं ना ऐसा वीडियो में देख रहे थे ना, तुम कुतुब मीनार दिखा रहा था मैं, सेम ऐसी ही पूरे कलमे हैं ये, है ना? कलमों से बने, अंदर मस्जिद में भी कलमे हैं, अंदर भी है ना, मास्टर। कितना टाइम लगा होगा, सोचो कितने कारीगर लगे थे। ये असेंबल किए रहेंगे ढाई दिन में मम्मी, ये कार्विंग तो ढाई दिन वाला काम नहीं है, ये तो सालों वाला काम है। आओ चप्पल उतारो, देखो अभी तो पहना था चप्पल, कोने में उतारो मिलेगी ना सबको, अभी तो पहना था चप्पल, फिर उतार दिए। साफ सफाई, ये मस्जिद है बंद है लेकिन अभी नमाज होगी, अभी असर की नमाज होगी। अंदर आएंगे पेशवा बैठेंगे, अपना वो डालेंगे जानिमाज पूरी। आओ अपन उस तरफ बैठते, थोड़ा है टाइम है अभी नमाज में। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारा फोटो शूट किए, यहाँ पर फोटोग्राफर लोग भी घूमते रहते हैं ऐसे, फ़ोटो खींचा लो फोटो खींचा लो, पब्लिक थोड़े मज़े लेते रहती है। हाँ अंदर ना सब पब्लिक बैठी तो है, लेकिन ना हवा बिल्कुल नहीं चल रही, तो अंदर फीलिंग कैसी आ रही मालूम क्या? ऐसा नहीं है अपने मोहल्ले में लाइट चली गई है और सब मोहल्ले में बाहर निकल गए हैं कि भाई लाइट आएंगी तब घर पे जाएंगे, वैसा वाला माहौल है अंदर। हम लोग भी बैठे थे थोड़ा देर, ज़्यादा मज़ा नहीं, खड़े रह के फिर फोटो खींचा है, बहुत सारी फ़ोटो खींचा है। फिर बोला चलो यार थोड़ा सा राउंड लेते और चलते हैं अनासागर, ठीक है हवा इतनी नहीं चल रही है। ये पूरा खाली एरिया है, यहाँ पर ना ग्रेजुएशन के बाद जब हम लोग आए थे ना पहली बार तो बहुत सारी फोटो खिंचाए थे, ये जगह पर बैठ के हम लोग ना पूरे दोस्त लोग ने फोटो खिंचाई थी, सब याद आता है यार। चलो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं अनासागर। चलो ठीक है, लस्सी पिएंगे, लस्सी बस गाड़ी 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 लस्सी लस्सी पिएंगे खाला। अभी देखो एक्चुअली यहाँ पर है ना मसाला पापड़ है, लेकिन सीना जलेगा बोल रहे ना। शॉपिंग करने पर अपने निकलेंगे ना, यहाँ सब नहीं आएंगे, अगर तुमको यहाँ पर अभी कुछ पसंद आ रहा ना उठा लेना, है कि नहीं? शॉपिंग करने पर अपने ना वहीं घूमेंगे खाला, शॉपिंग के टाइम पे ना अपन यहाँ नहीं आने वाले, वो अपनी वहीं के वहीं दरगाह के पास शॉपिंग होगी। तो अगर अभी तुमको यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा ना उठा लेना, वही बोल रहा हूँ यार। राजकुमार कौन सा जहाज़ तेरे को दिखा भाई?
लकड़ी का डिस्प्ले आइटम है वो डिस्प्ले आइटम हम लोग ने गिफ्ट करके गए थे जो सबसे पहली बार आए थे ना जिधर रुके थे घर तोड़ दिया था पूरा अनस अगर लिख लिया अनस अगर अनस अगर पे लेके गई थी ना रखी हुई देख मेरा वो लेके गई थी मछली लू मछली मछली बताओ भाई मछली वो जो पेन रखने का ना मेरा मोबाइल रखने का वो यहीं से लेके गई थी है ना वहाँ पर क्या बोल रहे हैं बस बस या मछली मछली बताओ मछली थोड़ी चलेगी बेटा नहीं चलेगी नहीं खेलेगा ना ये देखो ना मम्मू लेके घूमेगा ना और क्या नहीं उससे अच्छा तो ये गाड़ी चलेगी बेटा इसमें रस्सी बांध के देंगे तो पकड़ के खींच के भी चलाएंगे पक्का देख इधर से इधर तक धागा डाल के बांध देंगे ना कील मार दे जिसमें बांध दे हाँ कील भी मार सकते हैं इसमें और धागे के इसका कितना बोल रहे और ये मछली 100 लगा दो ये चप्पल देखो वाले भाई को दे दे। हाँ ये चप्पल खुद ही आने लगा ना तो कैसा पैर का मसाज हो जाएगा इधर एक और भी मसाज है अनस ये तेरे लिए ये लकड़ी अच्छा ये भी है क्या चलो बेटा ये तीन आइटम ले लिया भाई तीन ये कटोरी जो लेके गए थे अपन इसमें मैं सामान रख रही थी ना तो कलर छूट रहा था अच्छा हाँ ये 6 कटोरी लेके गए थे ये सब क्या है अच्छा कलर छूट रहा था गुल्ला गुल्ला भाई बोल रहे 100 रुपये में 11 लोगों को खाना खिलाइए तो क्या बोल रहा मालूम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर ना ये जो बिस्लरी की बोतल है ना ये इसके अंदर भी ना बोरिंग का पानी आ रहा है मतलब बोतल खरीद के कोई मतलब नहीं है बोरिंग का पानी मिल रहा है तो गाइस हम लोग ने ना यहाँ से गाड़ी कर लिए है और यहीं से हम लोग जा रहे हैं अनासागर 150 रुपये में कितने रुपये में 150 रुपीज़ ओनली देखो अपना बंदा ये लेके जा रहा है अपने को चलो आ रहे ना लोग आ जाओ गली में घुसना है चल दोस्त तो हम लोग का शॉर्टकट ट्रिप हो गया एकदम अच्छा ये पार्किंग है बहुत जय तीनों बोलो अरे जल्दी बोल बोल जल्दी मैं गिर जाऊंगा तो खुश हो गया एकदम एकदम खुश हो गया तो अभी हम लोग जा रहे हैं अनासागर भाई तारागढ़ के लिए भी यहीं से रास्ता है क्या यहीं से चढ़ना पड़ता है और ऑटो भी जाती है यहाँ से अनासागर दिख गया अनासागर ये उस साइड 7 बजे में शिवन मंडल बनाया नया ताजमहल ये है अनासागर जहाँ हम लोग जा रहे हैं मतलब ये रास्ते से अपन घूमते हुए जा रहे हैं डायरेक्ट रास्ता है छोटा वाला लेकिन वहाँ से ये रिक्शा अलाउ नहीं थी अजमेर के गेट की तरफ से तो हम लोग ना उल्टा पूरा घूम के जा रहे हैं लेकिन मज़े लेते हुए गुफा में जा रहे हैं दशरथ मांझी की एक पहाड़ को काट के बीच में से रास्ता बनाया गया वाह एकदम मांझी रोड लाल वाला करो खाएंगे नहीं मैं ये खाऊंगी इमली भी है लिंगर उठा लो ओ आंटी एक लिया वो आंटी दो ना इसका खाने के लिए नहीं है क्या है ना थोड़ा देख ना भैया कोई माल नहीं गिरे मसाला डाल दो ओके बस 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 25 रुपए की एक बंदे का 25 रुपया 2 3 4 5 टिकट फाड़ दिए तो कुत्ती फाड़ के ले लिया हमारा ये फाड़ अच्छे से मैं फाड़ दूं ये घास में कितना अच्छा लगेगा ना चप्पल उतार के देखो वो झाड़ पे ना चिमगादड़ है ना सब उल्टे सोए हुए बहुत सारे भर भर के एकदम ऐसा ना लालबाग में ना जो रानी बाग है ना उसमें भी ऐसी है इतना गर्म है इधर पे के छाव ढूंढ के बैठ गए लेकिन फिर भी हवा नहीं है इधर पे उसके बाद भी परेशान बोले क्या करें लेटने के बाद मुंह पे वेट टिश्यू रख के लेट गए वहाँ पर उन लोग भी वही कर रहे पता नहीं दिख रहे क्या नहीं लोग दिख रहे अम्मी तुम बताओ क्या चल रहा है कुछ चल रहा नहीं है घूमने निकले हैं लेकिन सच्ची में बहुत हालत बुरी हो रही है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हवा ही नहीं चल रही इधर तो हाँ गर्म से बहुत और खाला मज़ा आ रही क्या नहीं तुमको खाला है क्या नहीं मज़ा आ रही धूप से परेशान है और कुछ नहीं खाला बोले मैं थोड़ी थक गई हूँ हाँ लेट जाए इसलिए बोले हम लोग भी थक गए चलते चलते और धूप में और हवा नहीं मिल रही है ढाई दून की झोपड़ी से हम लोग इसलिए उठे बोले थोड़ी तो हवा आना चाहिए अनासागर में आ जाएंगी क्योंकि खुला मैदान है लो यहाँ पर खुले मैदान में आके लेटे हुए देखो
और कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ चिमगादड़ दिख रहे वहाँ पर बहुत सारे। अरे ये अनासागर में खजूर के झाड़, और ये खजूर लेकिन ना मैं देख रहा हूँ बहुत सारे खजूर के झाड़ हैं यहाँ पर, लेकिन ना पके बड़े खजूर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ना जो परिंदे लोग हैं ना यहाँ पर, वो सारे खजूर है ना ऐसा चोंच मार मार के खा जाते। जो बड़े होते जा रहे ना उसको देखो ना, खा के एकदम ख़त्म करके छिलका नीचे पड़ा हुआ है। वो तो अच्छा है एसी वाला रूम है, हाँ, तो यहाँ से थोड़ा सुकून मिलेगा तुमको वहाँ पर। हाँ, सही में सोची नहीं थी इतनी गर्मी होगी अजमेर में, मेरे को लगा था थोड़ी बहुत बारिश हो रही होगी। मैं तो रेनकोट लेने वाला था और नॉर्मल होएगा, मेरे को ऐसा लगा था मेरे तो भाई बोले थे ले तू भी ले ले, मेरा तो रात तक इरादा था मगर बोला जाने दो। अच्छा हुआ नहीं लिए। चलो इधर आओ। ये देखा ना, ये बोट से सामने जाने की रहती है, पर वहाँ पर भी कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं है उधर पे। छू सकते हैं मतलब। हाँ, तो अनस को कहानी इंस्पायर करी, तो अनस ने उसमें एक और चीज़ ऐड करी कि मतलब ये पानी को ख्वाजा जी ने अपने हाथों से छुआ। तो मैंने इस नज़रिए से नहीं सोचा था कभी, लेकिन इसका नज़रिया भी काफ़ी मज़ेदार। वही बोला तुम बोले डाले उन्होंने वापिस, हाँ कासे से वापस। हाँ फिर कासे में भी तो लिए ही थे, पॉइंट है भाई बात में बंदे के। ये देखो गाइस, इसमें मच्छी भी है, पता नहीं इसमें कैमरा में दिख रही है या नहीं, सिर्फ मुंडी मुंडी बाहर आ रही है। भाई ने चना लेकर आए। तो वैसे तो मैं ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियो शूट करता नहीं हूँ और करवाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ का माहौल देख के ना, ये वाला व्यू देख के थोड़ा सा ना अंदर से नीयत ख़राब हुई मेरी। एक मस्त वाला वीडियो बनाया हम लोगों ने यहाँ पर, और ये वाला वीडियो आप लोगों को मिलेगा इंस्टाग्राम पे सेम आईडी के साथ मिस्टर सरफराज। मच्छी देखना कितने बगले भी इतने बड़े बड़े। हाँ यही तो बोल रहा था मैं, हम लोग ऐसा मछली को खाना खिलाते थे यहाँ से खड़े खड़े, तो जाली देख के मैं खुद परेशान हो गया था, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी है मच्छी। हाँ हाँ, कैटफिश ज़्यादा है इसके अंदर, लोग वैसे ही भूखे रहते, ये कुछ तो डालो। मुँह बोल रहा डर गए, बोला था ना अरे लोग भूखे रहते। सही बोलूँ ना, ये तो अलग ही घूम रहा है, कहीं से जा रहा है कहीं से आ रहा है। एक नहीं है, अच्छे हैं अंदर बहुत सारे। हाँ डालू डालो। देख आया, देख रहा उसको क्या मस्त नहा रहा है आरियाज, उसको उसके अलग ही मजे चल रहे हैं। वो अलग ही नहा रहा है, ये देख उसको गुड़ू। तो देख वहाँ से निकला, गर्मी के मजे फुल पानी में एंजॉय। वहाँ से एक निकला, एक मारते एक वहाँ से निकला, बहुत सारे अंदर। चलो नाव में चलते, पाई के नाव में, वहाँ से नाव में बैठ के वहाँ जाने का रहता। नहीं 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 नहीं, आज नहीं कल जाएंगे। थक गए? मैं सही में थक गई। चलो फाइनली सब थक गए, सफर का थकान उतरा नहीं यहाँ से, और उसी में हम नहा धो के बोले चलो जल्दी जल्दी पहले दरगाह जाएंगे, सोएंगे करेंगे, और उसी दिन हम निकल के यहाँ पे आ गए। अभी कैसा ना थकान है थोड़ा सा, मतलब यहाँ से भी काला दिख रहा है, वहाँ से भी काला दिख रहा है, मैं सोच रहा हूँ कहाँ से गोरे दिखेंगे। हाँ यहाँ से ठीक है, आप बोलो। तो थकान कैसे भी करके उतरी नहीं है अभी बदन की। हाँ 20 घंटे का सफर था, तो चलो थकान उतारते, थोड़ा होटल में जाते, स्टे करते, आराम करते, शाम में वापस निकलेंगे इंशाल्लाह। हम लोग नहीं भी निकलेंगे तो हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। चलो अरे अरे अरे, लो पैसा वापस दो, अकाउंट में आएगा, अकाउंट में आएगा। आइसक्रीम, आइसक्रीम आइसक्रीम तो खाएंगे ना, मैंगो आइसक्रीम का कप है। मैंगो कौन सी, बर्फ वाली है फ्रूट वाली? आज सच्ची आम तो नहीं है, देखो जरा भाई, लोकल आइसक्रीम ट्राई करेगा ना तू, मैंगो लाओ भाई, चोको बार दो, आओ चोको बार खाएंगे। नहीं नहीं हमें वो बोरिंग वाला पानी है, एक गन्ने का जूस बोल रहे। हाँ हाँ चलेगा, ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। चलो आ रहे, वो भी आ रहे हम लोग खाने, वो भी पीने आ रहे हम लोग, कौन सा छोड़ेंगे भाई। मैं एक मैंगो, हाँ हाँ निकालो भाई, एक मैंगो निकालो, देख 30 वाली चोको बार निकालो भाई, 10 वाला चोको बार ऐसे, जा 30 वाले मावा कुल्फी ले ले। हाँ चलो लाओ आंदो, एक 10 वाली मैंगो दो और एक 30 वाली, मैं क्या बोलता हूँ, घोड़े गाड़ी में बैठते आइसक्रीम खाते, चला जा गन्ने का जूस निपटा दे भाई भाई, फिर आ रहे। पहले ना मैं आइसक्रीम खाता था चूस चूस के, ये यूसुफ ने मेरे को सिखा दिया, बाइट मार के खाओ बोले, इसलिए हम लोग ने जूस पहले पी लिया, बोले आइसक्रीम खाते खाते दूध दिख गई, दूध
दूध है इसके अंदर, पहले से बर्फ बर्फ लग रहा था। अरे वाह, देखो अम्मी लोग का ना रूम शिफ्ट हो चुका है, पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर एसी थी लेकिन एसी चालू नहीं हो रही थी। अब इसकी एसी पहले मेरे को चालू करके बता।